हे गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब हमेशा तरह एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, मैं आपके सामने एक वीडियो लाया, तो इस वीडियो के अंदर देखूंगा कैसे इस टाइप का एक फोरिंग कर सकते हो पिक्सार लाइट रूम की हेल्प से। तो गाइस, ये फोरों में बनाया कैसे, इस वीडियो के अंदर स्टेप बाई स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा। इस वीडियो के एंड तक दिख रहा हो, और मैं इंस्टाग्राम का अब तक फॉलो नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन बुक में लिंक दिया, आप जाके प्लीज इंस्टाग्राम को फॉलो करना। और जिस बंदा मेरे चैनल का अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पर क्लिक कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले पिक्सार्ट ओपन कर लेना, पिक्सार्ट के अंदर ये बैकग्राउंड भी ओपन कर लेना। तो जो कुछ भी मैं यूज़ करूँगा इस फ्रेमिंग करने के लिए, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बुक में ऑलरेडी दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरा एक फ़ोटो ऐड कर लूँगा, आपका फ़ोटो ऐड कर लेना। तो इस मेरा फ़ोटो का बैकग्राउंड में कैसे इरेज किया आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बुक में और एक वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू प्रोफेशनली बैकग्राउंड इरेज, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो इरेजर के अंदर जाओ, इरेजर के अंदर जाके हार्डनेस को थोड़ा सा कमाओ, कमाने के बाद साइज को थोड़ा सा बढ़ा के नीचे से इरेज कर दो, ताकि ऐसा लगेगा हमारा मॉडल के ऊपर स्मोक आ रहा है, एकदम ओरिजिनल स्मोक आ रहा है। ओके, तो गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है इस करने के बाद। तो और भी करना होगा हमारा, तो थोड़ा सा ब्रश भी कर देना। तो हो गया, सिंपली कर दूंगा डन। डन करने के बाद और कुछ पेंज में ऐड करूंगा, तो जो कुछ भी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो गाइस आप ध्यान करो कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हेयर पेंज पहले ही बना रखा, तो उसके लिए मेरा हेयर पेंज में ऐड कर लूँगा। तो आप हेयर यूज़ कर सकते हो और नहीं यूज़ कर सकते हो, आपका मर्जी से। तो सिंपली कर देना डन। तो मैं डन कर लिया मेरा हेयर लगाने के बाद, तो सिंपली और कुछ पेंज में ऐड करूँगा। तो कुछ लाइट पेंज में ऐड कर लिया, आप दिख रहा हो। तो गाइस इसका ब्लेंड को कर दूंगा, इस स्क्रीन करने के बाद ऐसा लगा दूंगा, ताकि ऐसा लगेगा हमारा पीछे जो रिंग लाइट है, रिंग लाइट से कुछ लाइट हमारा मॉडल के ऊपर आ रहा है। ओके, तो इसको ये ऐसा लगा दो पीछे, और इसको भी सेम तरीके से स्क्रीन कर दो, करने के बाद ऐसा लगा दो, ताकि ऐसा लगेगा हमारा हाथ का नीचे से लाइट आ रहा है। ओके, तो इसके एपेसिटी को, सबका एपेसिटी को थोड़ा थोड़ा सा कम आ दे रहे हैं। ओके, तो ताकि एकदम ऑरेंज लाइट के जैसा लगे। तो सिंपली कर दूंगा डन। ओके, तो डन करने के बाद और एक पेंज में ऐड करूंगा, इमेज कह सकता हूँ इसको। तो ये मैं खुद ही बनाया, तो बैकग्राउंड भी खुद ही बनाया। तो सिंपली इसका फोटो का सेम साइज में ऐड कर दूंगा, करने के बाद इसका ब्लेंड को कर दूंगा स्क्रीन। तो गाइस देखो, ये ऐड करने के बाद ही देखो हमारा फोटो के ऊपर कितना अच्छी लुक आया। तो इसका देखो, इसका देने की बात क्या होते हैं और नहीं इसका यूज़ करो तो कैसा होगा और यूज़ नहीं करो तो कैसा होगा। तो गाइस आप देख रहा हो तो आप देख लो। तो सिंपली कर दूंगा डन करने की बात। तो गाइस ऑलरेडी हमारा पिक्सार्ट के अंदर काम ख़त्म है, तो पिक्सार्ट के अंदर और कोई काम नहीं है। तो सिंपली हमारा जाना होगा लाइट रूम के अंदर, तो लाइट रूम का प्रीमियम वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं, और गाइस लाइट रूम का हीलिंग एंड सिलेक्ट टूल्स कैसे ऐड करते हैं, आप उस जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बुक में और एक वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू ऐड सिलेक्टिव एंड हीलिंग टूल्स, उस वीडियो जाके देख लेना। ओके, तो गाइस सिंपली मैं लाइट रूम ओपन कर लिया, तो आपके पास नहीं है तो उस लाइट रूम डाउनलोड कर लेना। ओके, तो सिंपली इस कुछ स्टेप यूज करके ये फोटो में एडिट करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जाना होगा ब्राइट में। तो गाइस सन जो आइकन दिख रहा हो, तो गाइस सन आइकन पे जाऊँगा, जाने के बाद एक्सपोजर जो ऑप्शन दिख रहा हो उसके थोड़ा सा बाहर दूंगा, बढ़ने के बाद कंस्ट्रक्ट को थोड़ा सा बाहर दूंगा, बढ़ाने के बाद हाईलाइट्स को थोड़ा सा कमा दूंगा, कमाने के बाद शेडो को थोड़ा सा बाहर दूंगा, और व्हाइट को थोड़ा सा बाहर दूंगा, तो ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, तो ब्लैक को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ओके, तो देखो हमारा पहला स्टेप खत्म है, पहला स्टेप डालने के बाद फोटो के ऊपर कितना अच्छी लुक आया, तो आप देख सकते हो लाइटनेस लुक आया बिफोर कैसा था। तो और एक स्टेप है कलर में जाना होगा, कलर में जाने के बाद वाइब्रेंस को थोड़ा सा कमाना होगा, कमाने के बाद हमारा मिक्स पर जाना होगा, सिंपली जाने के बाद रेड ऑप्शन चूज करना होगा, करने के बाद इसके ह्यू को थोड़ा सा कमाना होगा। ओके, तो कमाने के बाद इसका लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ताकि हमारा रेड जो कलर है उसका ब्राइटनेस बढ़ जाए, और सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो सिंपली ऑरेंज कलर चूज़ कर लूँगा, आप जानते हो ऑरेंज कलर हमारा मॉडल का फेस के कलर होते हैं, तो उसके लिए इसका सिचुएशन को थोड़ा सा कम लूँगा, ताकि हमारा मॉडल का फेस के ऊपर जो रेड पार्टिकल्स है उस डिलीट हो जाएगा, और ह्यू को थोड़ा सा कमा दूंगा, क्योंकि ताकि एकदम यू ले लो जैसा रेड लुक पर हमारा मॉडल का फोटो के ऊपर। तो सिंपली ब्लू चूज कर लूँगा, तो उसको ब्लू का सिचुएशन को एकदम -100 कर देना, और इस ग्रीन को ह्यू को एकदम 100 कर देना। ओके, करने के बाद इस आप चूज कर लो, ये हमारा शर्ट के कलर है, आपका शर्ट के कलर कौन सा होते हैं तो आप उस चूज कर लेना। तो इसको सिचुएशन को थोड़ा सा कमाऊँगा और ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, बढ़ाने के बाद देखो फिर हमारा पूरे के ऊपर कितना अच्छा लुक आया। तो कलर डालने के बाद पूरे के ऊपर क्या लुक आया, तो कैसे आप देख सकते हो कैसा लुक आया। तो सिंपली और एक स्टेप में जाना होगा, हमारा जाना होगा बिगनर जो आइकन दिख रहा है उसके ऊपर जाना होगा,
इफेक्ट में, जाने के बाद ड्रेस को थोड़ा सा बाहर हो देना होगा, ड्रेस को बाहर देना होगा और करेंटी को थोड़ा सा बाहर देना होगा, ड्रेस और करेंटी को हमारा बहुत ज़्यादा ही बढ़ना होगा। तो बढ़ने के बाद बिगनेट को थोड़ा सा कमा दूंगा ताकि हमारा फोटो के आसपास ब्लैक ब्लैक लुक आया आ जाए। तो टेक्स्चर को थोड़ा सा कमा दूंगा ताकि हमारा फोटो के ऊपर स्मूथनेस लुक आ जाए। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्लैरिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, क्लैरिटी को बढ़ाओ तो हमारा फोटो के ऊपर ब्लैक ब्लैक डार्कनेस लुक आ जाएगा। तो गाइस ये इफेक्ट डालने के बाद हमारा फोटो के ऊपर देखो डिफरेंट लुक आया। तो बिफोर कैसा था मैं दिखा रहा हूँ, तो गाइस देखो कितना अच्छी क्वालिटी फोटो बन गया। तो गाइस और एक स्टेप बाकी है, तो गाइस डिटेल्स में जाऊँगा। जाने के बाद शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा और कलर नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा ताकि हमारा फोटो के ऊपर जो सा नॉइस था सब रिमूव हो जाएगा, एकदम एच डी क्वालिटी फोटो बन जाएगा, स्मूथनेस फोटो बन जाएगा। तो देखा देखो गैस हमारा फोटो ऑलरेडी रेडी है। तो गैस बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे पास, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके पास क्या लगता है मैं नहीं जानते हो, तो कमेंट पे बताऊँ क्या लग रहा है। तो आपके पास मेरा उम्मीद है ये वीडियो आपका अच्छा लगा, ये फोटो आपका अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पर क्लिक कर देना। और गैस प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या वीडियो आपके लिए बनाऊँगा मैं और क्या वीडियो आपका चाहिए। ओके।